वाह, ये जगह तो बहुत प्यारी है, पर यहाँ पे जो हो रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिन ब दिन हमारे फ्री फायर वाले इन GTO वालों को खत्म करते जा रहे हैं। पर मैं शहजादा हूँ, मेरा फर्ज बनता है इन सबको मैं रोकूं। और वैसे आर्टिस्ट से ज्यादा यही तो करते हैं, मैं सबको 500-500 डायमंड का लालच दूंगा, शायद से वो मेरी बात मान जाए। और हो सके तो एक गन स्किन और एक पैड भी देना पड़ेगा। वैसे मैं आर्टिक शहजादा हूँ, जिसे आर्टिक ब्लू बोला जाता है। मुझे अपने रईसी का खुद तो फायदा उठाना पड़ेगा ना। वैसे भी एडवांस सर्वर में मेरे पास करोड़ों डायमंड्स पड़े हुए हैं, जो मैं गरीबों में बांट दूंगा, जिससे वो डीजे और लोग आर्टिक ब्लू जैसे बंडल निकाल पाए। पर फिर भी वो मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं हूँ आर्टिक ब्लू बंडल। मेडे मेडे मेडे, हाईवे पे एक बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है, दो लोग डर के भाग गए, एक को टोप से उड़ा दिया, जल्दी मदद भेजो। टोप से उड़ने वाला कोई फ्री फायर वाला था, जिसका नाम जेब बताया जा रहा है। वाओ, ये क्या, और हाईवे पे भी हमला हो रहा है, जल्दी मदद भेजो। ओवर एंड आउट, अरे मदद भेजो। बाप रे, ये क्या, लगता है हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ रहा है। रुक जाओ, जो भी है मैं आ रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि IPL एंड हो चुका है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा स्पोर्ट्स है और दूसरे क्रिकेट मैचेस है जिसमें आप काफी ज्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छा ट्रस्टेड बुक मेकर, जिसका नाम है 1xbet। और अगर आप दोस्तों मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेंगे 100 यूरोस, और आप अपनी अर्निंग्स को सीधे अपने बैंक में विड्रॉ करवा सकते हो, या फिर अदर पेमेंट मेथड भी है दोस्तों जिसके जरिए आप अपना अर्निंग्स को विड्रॉ करवा सकते हो। यहाँ पे फुटबॉल मैचेस, टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी, ई स्पोर्ट्स और ऐसे बहुत सारे गेम जिसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और हाँ, हाई वोल्टेज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल रेडी रहना, तो देर किस बात की, लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दी है, जल्दी से क्लिक करो, 1xbet पे जाओ और अपनी फेवरेट टीम्स के साथ खेल के पैसे कमाओ। और हाँ, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, थैंक यू। और जल्दी से जल्दी 300 करवा देना, आप लोग बहुत ही फैंटास्टिक हो। अरे नहीं, अरे छोड़ दे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ये व्यूज के लिए मार देते हैं। वाओ, ये क्या है सामने, ये नुबड़े हैकर्स यहाँ पे भी आ गए, दिन भर तो वॉल हैक करके घूमते रहते हैं और इधर भी नहीं। वाओ, हट जाओ सामने से, आर्टिक से ज्यादा अभी जल्दी में है। मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम चाहते हो कि मैं कस्टम बनाऊँ और तुम उसमें हैकिंग करके जीत जाओ, पर अभी फिलहाल अभी मेरे पास वक्त नहीं है, कस्टम रूम बाद में बना लूंगा, मुझे अपने दोस्तों की मदद करने जाना है। कितने बार बोला है सीट लगा दो, लगाती नहीं है, फिर से गिर गया वो। फिर से गिला दिया मुझे, अच्छा वाली लाइट पास की बाइक थी मेरे पास, ब्रांचो थोड़ा धीरे चलाया करो। अबे वो छोड़, सामने से सामने वो एक आर्टिस्ट है, था तो जाके उसको मारते हैं, ऑल इज फ्री करते हैं। वाओ, तो मुझे मारने का प्लान बनाया जा रहा था, पर मैं तुम जैसा नुबड़ा नहीं हूँ, मेरे पास है M1014, वो भी रैम्पेज वाली, इसका रेट ऑफ फायर और डैमेज तुम्हारी धज्जे उड़ा देगा, तो आ जाओ लड़ लो मुझसे। अबे ये तो फटाफट लोगों को डाउन कर रहा है, आई मार रहे इसको। ये आर्टिक ब्लू बंडल है, काफी पावरफुल लगता है।
हम सबसे रेयर बंडल है, हम चले गए तो करीना किसे इवेंट में डालेगा, कौन पैसे देके हमारी आईडी खरीदेगा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स मेरी फोटो लगाए कैसे मैजिक क्यूब का वीडियो बनाएंगे, सब बच्चे मेरा ही इंतजार करते हैं कि मैं मैजिक क्यूब में आऊंगा। आए, बहुत हो गया, उसे लेके आओ मेरे पास, बहुत मार लिया इसे। वाओ, 2 करोड़ के बंडल, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे खींच के ले जा रहे हो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हमारे लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आ, रख दे इसे यहीं पे। मेरे भाई लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तेरे जैसे बंडल्स कुछ ज्यादा ही रेयर होते जा रहे हैं। अबे बाहर के सर्वर में तो तुम लोग मैजिक क्यूब में दिए जाते हो, हमारे सर्वर में आने में इतना कमेंट क्यों? फालतू में अपना आप कुत्ता रेयर बना के खाए, वो भी इंडियन सर्वर में खास, ये भेदभाव क्यों? भेदभाव से याद आया एक बंडल की कहानी, दिखता क्या प्यारा, अपन लोगों ने उसको मारा छूरा। ये बात है तब की जब सीजन 16 का इलाइट पास आया था, सब बंदे उस इलाइट पास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उस इलाइट पास का भी कुछ ऐसा ही कहना था। सर, एक्सक्यूज मी सर, सर, मिस्टर कॉबॉय सर, वो अगर इलेक्ट पास के डेट्स कंफर्म हो जाते तो अच्छा होता, यूट्यूबर लोगों ने अभी से सर मुझे प्री ऑर्डर करना शुरू भी कर दिया सर, अपने डिजाइनर्स का सर मैं पहला कैरेक्टर हूँ सर। इन दैट केस मैं आपके डिजाइनर से बात कर लेता हूँ। हेलो गरीना ऑफिशियल टीम, हाँ तो मैं कह रहा था कि इस बार का जो इलाइट पास है उसको फ्री में दे दिया जाए, पहले भी बोला था मैंने ओपी बंडल नहीं दिखता, बिल्कुल ही अनअट्रैक्टिव डिजाइन है, कोई भी इसके ऊपर अपना पैसा खर्चा नहीं करना चाहेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको फ्री में दे दो, सीजन 16 का इलाइट पास फ्री कर दो, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बंडल भी फ्री में मिल जाएगा और अपने को फालतू में इस बंडल का टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, अंडरस्टैंड? Then get lost. But sir, लोगों ने मेरा इलाइट पास फ्री ऑर्डर करना शुरू भी कर दिया है सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे फ्री मत बनाइए सर। इलाइट पास में कार की स्किन है? नहीं है सर। ग्लू वॉल की स्किन है? नो नो सर। तो फिर क्या है तुम्हारे इलाइट पास में? सर आप एक दफा देख तो लीजिए सर, बहुत कुछ है मेरे इलाइट पास में। मिस्टर कॉबॉय, ब्रेक डांसर बंडल सबको फ्री में दिया गया था, वो भी गोल्ड रॉयल में, लेकिन आज भी वो रेयर है, तो मुझे ये एक्सक्यूज तो बिल्कुल मत देना, हम आपको प्री ऑर्डर में दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बंडल तो सबको फ्री में ही मिलेगा, नाउ गुड बाय। बट सर 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 सारी उम्र हम फ्री में ही जी लिए, एक पल तो अब हमें डायमंड में दे ही दो, सारी उम्र हम फ्री में ही जी लिए, एक पल तो अब हमें डायमंड में दे ही दो। गरीना के ऑफिशियल्स ने सीजन 16 के इलाइट पास को फ्री में देने का फैसला कर लिया था और काउबॉय बंडल चाह के भी कुछ ना कर पाया था, वो एक बहुत ही अच्छा इलाइट पास था। आखिरकार उसे फ्री में दे ही दिया गया हूँ, वो बंडल इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था उसे फ्री में दिया जा रहा है। सब लोग काफी खुश थे कि इलाइट पास तो फ्री में मिल गया है, फ्री में। पर ये उनकी फ्री लाइट पास वाली खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, उसकी वजह थी क्या यार, ये बंडल सभी लोग पहन के घूम रहे, पूरी लॉबी भरी हुई है इस बंडल से। मैंने तो पहले ही बोला था रेयर बंडल रेयर होता है, मेरे पास तो बहुत सारे रेयर बंडल है, तेरे पास क्या है, वो फुगट्टे इलेक्ट पास लेके घूम तू। एक ही इलेक्ट पास है वो भी ऐसे का। तुझे पता उसके बाद क्या हुआ? वो इलाइट पास हर एक बच्चे ने अनइक्विप कर दिया था, सबके सब फ्री इलाइट पास वाले को नुबड़ा बोल रहे थे, नुबड़ा। तो मैं रैंचो उससे मिलने गया, मैं तो उसका हौसला बढ़ाने जा रहा था, पर जो मैं देखा उसके बाद आज तक मैं चैन से नहीं सोया। कॉबॉय।
अभी भी उस बेचारे बंडल की मुझे याद आती है। हमारी काम के पीछे मकसद होता है, कोई भी बंडल अगली बार से ऐसा कदम ना ले, इसलिए हम सारे बंडल्स को फ्री में कर देंगे ताकि सब एक जैसे हो जाए। पर मुझे मार के तुम्हें क्या मिल जाएगा? मिलेगा ना, तेरे जैसे बंडलों का घमंड टूटेगा और ऑल इज फ्री हर जगह लहराएगा, ऑल इज फ्री। ए चिमकांडी रिपर, दाल इसके अंग पे तेल। विक्की 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 अरे देख के वो शहजादा भागने की कोशिश कर रहा है। मैंने कुछ जो कर दिया यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से दवाई पचा रही है, मदद भेजो। बेटे बेटे हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है, इन्होंने हेलीकॉप्टर का इंजन लगाओ। कभी अपनी बराबरी वालों से भी लड़ लिया करो, हर बार कमजोरों पे जुल्म करना ठीक नहीं। माना कि तुम्हारी शक्ल भूतों से मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार शहर में तबाही मचाऊंगी। देखो तो, फ्री फायर की हीरोइन आई है, केली केली। वेल वेल वेल, तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर एक बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी कि तुमसे ज्यादा भद्दा घटिया और बदसूरत बंडल मैंने आज तक नहीं देखा। अब क्यों ना इस खेल को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए जो तुमने शुरू किया है। तुमने देखा ये लुपड़ी केली कैसी कैसी बातें कर रही है, इसके पास पहनने के लिए कोई भी बंडल नहीं है। तुम लोगों को तो यही लगता है ना कि गन की स्किन होनी चाहिए, बंडल होना चाहिए, लेकिन किसी की स्किल तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं यहाँ पे। तुम जैसों ने फ्री फायर को बर्बाद कर रखा है। तुम्हें लगता नहीं है केली कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रही है? तेरे जैसे लुपड़ी से कुछ नहीं सीखना हमको, हम तेरा खेल खत्म कर देंगे। तो ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हो जाए सोलो वर्सेस स्क्वाड, आ जाओ लड़ लो मुझसे। चलो
तो क्या कहा था मैंने, बंडल देख के बात नहीं करनी चाहिए, असली ताकत स्किल्स में होती है। पर तुम जैसे लोग इस बात को कभी नहीं समझोगे जो सिर्फ डायमंड के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हे केली। अरे के, तुम कहां से आ गए? वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इतने में मुझे तुम दिखाई दी, सोचा तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। क्या है ना, लॉस सैंटोस में लड़की का ऐसे घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आजकल हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमारे दोस्त के साथ भी काफी हादसे हुए, अभी अभी हमारा एक दोस्त मारा भी गया। मैं नहीं चाहता कि और किसी के साथ ऐसा हो, तो सो जाओ केली। मैं तुम्हें मारना तो चाहता हूँ लेकिन मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसी एबिलिटीज है जिसकी मुझे सख्त जरूरत है, तो आज से तुम मेरे लिए काम करूंगी। सो जाओ केली। तो चलो तुम्हें लेके चलता हूँ उठा के, धीरे धीरे सबका खेल खत्म ही करना है, तुम्हारा भी हो जाता अगर तुम्हारी इन एबिलिटीज की मुझे जरूरत ना होती। चलो केली, बहुत दूर जाना है। पता नहीं ऐसा कब तक चलते रहेगा, हमारे लोग एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। अब जय भी चला गया। काश मैं उस दिन तुम्हें रोक लिया होता एडम, तो ऐसा कुछ ना होता। मैंने तुम सबको अकेला भेज के बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर देना एडम प्लीज। भैया मेरे को बड़ा अफसोस है यार जय के लिए, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब अपनी भी कब्र खुद जाएंगी और अपन लोग भी ऐसी बुरी तरीके से मारे जाएंगे। ए लेस्टर, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अगली बार से जो भी आएगा आएगा अपने पैरों पर, वापस जाएगा अपनी अर्थी पर। ऐसी हिम्मत रखने का तो ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, तुम लोग आराम करो। हे नामर, मशरूम सूप के लिए थैंक्स, हमें पता नहीं था कि मशरूम सूप से भी हमारी भी बढ़ जाएंगी। अरे बाबा, मैंने नानी का खेती है ना उधर, पहले बोलना था लेवल 1 लेवल 2 के मशरूम थे ना उधर। बस मुझे एक ही बात समझ में नहीं आ रही, जय के ऊपर हमला किसने किया? टॉप क्रिमिनल तो हो नहीं सकते, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो सिर्फ बोलने के काम के है लेकिन वो मार नहीं सकते। अरे बाबा क्या बात कर रहा, ओलिविया और क्लार्क को तेरा भूत मारा क्या? बात वो नहीं है, बात ये है कि मुझे इसमें किसी तीसरे का हाथ लगता है। बिल्कुल सही, ये कोई और ही है जिसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे जय तो मेरे बिल्कुल सामने मारा गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, और वो तो जाने दो मेरी बीवी का क्या होगा, वो भी जाने दो मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चे को जाने उनके बच्चों के बच्चों का क्या होगा, अरे ये दुनिया का क्या होगा। हमें मान लेना चाहिए एडम कि हम जिन ताकतों से लड़ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे पास हथियार और ताकत कम है, उनकी और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है एडम, हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना ही होगा वरना हम खत्म हो जाएंगे। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन खत्म होगा, वो या हम, अब बारी उनकी है खत्म होने की ना ही अपनी, अब उनका बुरा वक्त शुरू बेटा। अब बहुत हुआ, हम लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। एडम मुझे यकीन है कि कोई ऐसे अच्छे फ्री फायर वाले भी होंगे जो इस जंग में हमारा साथ देंगे जैसे तुम दे रहे हो। और बस अभी हमारा काम है फ्री फायर वालों को ढूंढना और अपने साथ करना, और मुझे यकीन है वो अपना साथ जरूर देंगे, फिर चाहे अनिष्ट देव ही क्यों ना आ जाए। उस अनिष्ट देव को तो मैं अपने नंगे हाथों से मारूंगा, सामने तो आए। अब मेरी समझ में आ गया है एडम, वैसे भी मैं एक बंदे को जानता हूँ जो तुम्हारी दुनिया के हथियार इस दुनिया में लेके आएगा, है थोड़ा संकी वो, लेकिन ट्रेवर भाई साहब उसी को लाने गए हैं, मिस्टर बड़े। एक बार मिस्टर बड़े यहाँ पे आ गया ना तो। इस समय कौन आ गया? तुम लोग यहाँ पे जरा ध्यान रखो, मैं देखता हूँ उस दरवाजे पे कौन है। ट्रेवर भाई साहब तो अभी अभी गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? ए बाहर आ रे भाई, ये बंदर बोल कैसे रहा है भाई, फ्री फायर से आएगा तू भी? ए बीडू अपुन इधर का ये छे। पहले तो हमें बड़ा अफसोस है तुम्हारे दोस्त जय के लिए, दद्दा ने कहा है उसका आत्मा को शांति मिले। ठीक है ये बात मैडम को बता दूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ए तू इतना आड़ा तेरा कहीं को हो लेना है, अपुन को सिर्फ थोड़ा तेरा टाइम मांगता है। और मैं अगर तुम्हें टाइम देने से मना कर दूं तो? मेरा नाम है विजय बल्लू और कोई मेरे को नानी कहता है। तो तुम बाद में आ जाना, अभी हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, प्लीज मेरी बात को समझो। अरे भाई भी फ्री फायर वाला ही है, वो तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या वो फ्री फायर वाला है सच में? ठीक है मैं अपनी सारी टीम को अभी इकट्ठा करके मैं तुमसे मिलता हूँ और अपन सब मिलके उसके पास जरूर चलेंगे। हाँ अब आना लाइन पे। ए पकिया गाड़ी निकाल। ए चौना रे गाड़ी से लाना तुमको, पीछे चल। ये बंदर न जाने हमें कहाँ लेके जा रहा है। ए बीडू का जरे। ए पकिया टेंशन है ना उधर। ओए भोपिया उतर ना गेट से। अबे आम मत तोड़ रे। अबे बाजू वाले कह रहे हमारे यहाँ आगे वो। अबे थोड़ी तो इज्जत रखो बे बंदरो। ए बाजू हट रे मामू। ए फ्री फायर वाले और जीटीए वाले आ रहे रे, हट रे।
ये बंदर भकभक बहुत करता है। और कितना चलना पड़ेगा हमें महाशय? हम पहुंचे नहीं क्या अभी तक? बोलो तो सही। ओ बंदर महाशय, कुछ तो बोलो, कितना चलाओगे हमें? ए बीड़ू, ज्यादा चिल्ला मत, भाई को ऊंचा सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा दद्दा कहाँ है जिससे मिलने के लिए तुम हम सबको यहाँ पे लेके आए हो? कहाँ पे है तुम्हारा दद्दा? हमको जल्दी मिलाओ यार, हम लोग यहाँ पे बड़ी मुसीबत से आए हैं और हम पे कभी भी हमला हो सकता है यार, प्लीज हमारी बातों को भी समझ लिया करो। अरे बीड़ू, दद्दा यहीं पे है, उसके पास है जादू, वो कभी भी आता है और कभी भी जाता है, आंखों के सामने से गायब होना उसकी फितरती है, और फ्री फायर में ऐसी एबिलिटी किसी के पास नहीं है। अच्छा तो वहीं पे, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा भाई, कहाँ है तुम्हें एडम, दिखाई दे रहा है? ऐसी गायब होने वाली एबिलिटी तो सिर्फ एक के पास है। और तुम भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ? ये देख बीड़ू, अपुन का दादा जिसने अपने को हमेशा बचाया है। अरे आलोक, साथ में वेनम और एडम भी है। तुम लोगों की गलती के वजह से जीटीए में एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है। अभी हम सबको साथ होने का वक्त आ चुका है। हम लोग हर खतरे के लिए तैयार है। वुकोंग दा, ये सारी गलती मेरी थी, मेरी ही वजह से वो गेमिंग पोर्टल उन क्रिमिनल और जोकर के हाथ में पड़ गया। अलोक, गलतियों को सुधारा जा सकता है और अभी हम वही करने वाले हैं। जंग की तैयारी करना है हमें। जंग तो अब शुरू हो चुकी है बेटा, अपने अपने हथियार उठा लो। अरे नहीं, ओ जंबू, जंबू कहा मेरा भाई, मेरा भाई। मैंने इसे पहले कहा था कि यहाँ पे कोई टाटस का नहीं मिलती है, और सुनता ही नहीं है ना, बाहर घूमेगा बड़े बहुत। अरे ऐसा बात ना करो, हमारा भाई गायब है, हमारा जंबू कहाँ गया? ओ चंबा की चौकड़ी, यहीं पर दो टाइटन्स कार को लेने आया था, सामने वही दुकान है मैं बन गई, चलो। देखो सामने वही दुकान है जहाँ से अपने जंबू टाइटन्स कार लेने आया था। जल्दी चलो डूडल बॉब। अरे तू अपना चलना ट्रेन से, मैं आ रहा ना। ओ भैया जी, यहाँ पे कोई बावला लड़का आया था का? दिखने में हमारे जैसा ही था, लेकिन रंग जो है ना हरा था। वो आपकी दुकान से टाइटन्स कार नाम की गन खरीदने आया था भैया जी। वो हरा सूट पहनता था, काले जूते और साथ में एक भद्दा सा मास्क। वो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता था, पर फर्क सिर्फ इतना था कि वो नक चढ़ा था। अरे हाँ सर, एक बंदा तो आया था, बोल रहा था कि टाइटम्स कार दे। बोले मैंने बोला कि टाइटम्स कार क्या होती है, तो मुझे मारने लग गया, तो मैंने उसे वहां से भगा दिया। और थोड़ी देर बाद मेरे को बाहर एक आवाज आई चिल्लाने की, और जैसी मैं बाहर देखा तो वो था नहीं उधर। मुझे लगता है सर कि पागलखाने की गाड़ी उसे उठा के लेके गई, वैसे भी रात दिन दारू पीता था और इधर ही पड़ा रहता था। ओ भैया जी, हमारे भाई के बारे में ऐसी बात मत करो, हमारा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्यों ऐसा लेके गए उसको, हाँ बताओ हमको। अरे सर, जब से वो पागल फ्री फायर वाले लोग आए हैं ना, जब से किसी को भी उठा ले रहे। तूने पागल किसको बोला बे? तू जानता है कि किससे बात कर रहा है? ज्यादा ही बोल रहा है तू। अरे सॉरी सर, मेरे को मालूम नहीं था कि आप फ्री फायर वाले हो, मैं खुद अपने 2GB की रैम वाले फोन में आपका गेम डाउनलोड करूंगा। सॉरी सर। प्लीज, तू हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है या डिक्स रिस्पेक्ट कर रहा है? सॉरी सर, डायनामो के लिए छोड़ दीजिए सर, सॉरी, डायनामो जिंदाबाद सर। ये तो पबजी वाला है, मार रहे इसको। तू गया बे? ऐसा ही होता है बेटा, हमारे सामने रह के पबजी वालों की तारीफ, ऐसा नहीं चलेगा। जल्दी चलो, जम्बू को ढूंढते हैं, पूरे शहर ढूंढ लेंगे हमारा जम्बू। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे बाप रे, ये क्या, यहाँ पे तो पूरी बिल्डिंग ही लगी है।